मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा देने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यह बड़ी खबर पंडित प्रदीप मिश्रा के लाखों भक्तों, उनके अनुयायियों को थोड़ा सा विचलित कर सकती है। यह बड़ी खबर हरिद्वार से निकल कर आ रही है, जहां बताया जा रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा एक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। इस सड़क हादसे में पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ क्या हुआ और वर्तमान में उनकी हालत कैसी है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश का एक जाना माना नाम, जो लगातार बीते दिनों से मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले जब उन्होंने सीहोर के पास शिव महापुराण की कथा बुलाई तो लगभग 40 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम की वजह से भी मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा काफी दिनों तक गर्माता रहा, एक दूसरे पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे। इस पूरे विवाद में कमलनाथ से लेकर शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा के भी बयान सामने आए थे। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा हाल ही में रायसेन जिले में एक कथा आयोजित की गई थी। इस कथा में भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा गर्मा गया और खुद उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मामले को हाथों हाथ लिया और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सोमेश्वर धाम के गेट खुलवाने की मांग कर दी। वहीं प्रदीप मिश्रा, जिनके लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, वहीं प्रदीप मिश्रा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं, उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा हरिद्वार में एक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में 13 से 19 तारीख तक के लिए आयोजित की गई है। इसी कथा में शामिल होने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा अपने अन्य साथियों के साथ गए हुए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बात की खुद जानकारी दी है कि वह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर जब वापस लौट रहे थे तो वापस लौटते वक्त नीचे उतरते समय लगभग 5 किलोमीटर आगे उनकी गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। अब बड़ी बात यह है कि सड़क हादसे में प्रदीप मिश्रा की क्या हालत है, प्रदीप मिश्रा का स्वास्थ्य कैसा है, इस बात को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के जो अनुयायी हैं वह चिंतित हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने इन अनुयायियों से चिंता न करने की बात कही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस सड़क हादसे में पंडित प्रदीप मिश्रा की गाड़ी 2 बार पलटी खाई और पलटी खाकर पूरे तरीके से हादसे का शिकार हो गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उसके बाजू में ही मां गंगा बहती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा खुद बताते हैं कि यदि गाड़ी एक और पलटी खाती तो उनकी गाड़ी पूरी की पूरी मां गंगा में समा जाती। लेकिन प्रदीप मिश्रा इस सड़क हादसे में बाल बाल बच गए हैं, जिसके बाद उन्होंने शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर अपने सकुशल होने की जानकारी अपने सैकड़ों भक्तों को दी है। यह पूरी जानकारी हरिद्वार से निकल कर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है उनके साथ इस पूरी यात्रा में उनके अलावा 3-4 और चार पहिया वाहन गए हुए थे, लेकिन उनका ही यह चार पहिया वाहन सड़क हादसे का शिकार हुआ। इस सड़क हादसे में गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अच्छी बात सिर्फ भक्तों के लिए, पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुयायियों के लिए ये निकल कर आ रही है कि इस सड़क हादसे में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वह एकदम स्वस्थ हैं और दुरुस्त हैं। जिसके बाद उन्होंने शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया है। तो ये थी पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वह शिव महापुराण की जो कथा करते हैं उसको देश और विदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुनते हैं। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का मंत्र देकर पंडित प्रदीप मिश्रा लाखों लोगों की मनोकामना भगवान शिव के माध्यम से पूरी कराने की बात करते हैं। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त इतनी बड़ी संख्या में कि यदि उनसे जुड़ा हुआ कोई भी विषय आता है तो हाथों हाथ वह विषय मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा विषय बन जाता है। इसी प्रकार के 2 घटनाक्रम मैंने आपको आज के हमारे वीडियो में बताए हैं, लेकिन इससे पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा तमाम उन देश भर के भक्तों के संकट मोचक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते आए हैं और वह खुद कहते हैं कि मेरी पूजा नहीं बल्कि मेरे उपासक नहीं बल्कि भगवान शिव के उपासक बनो, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुनो। यही कथा सुनाने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा हरिद्वार पहुंचे थे। कथा जो बताई जा रही है 13 से 19 तारीख तक के लिए आयोजित की गई है। इस कथा में सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, जैसा कि आम तौर पर होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जहां भी कथा करने के लिए जाते हैं वहां 1-2 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।
तो ये थी पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हुई आज की तमाम जानकारी। आगे भी हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम हलचल से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा तरीन जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।